दिहाड़ी की तलाश सर, मुझे वो सर, चाहिए। बिना इजाजत का मैं जानता हूँ सत्या का कत्ल किसने किया। पहले यहाँ से निकलो। एक मिनट रुको सर। बता, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सर अकेले में मतलब अकेले में। आखिर उसने माइक क्यों बंद कर दिया? मेरी दो शर्तें हैं। गवाह का नाम सिर्फ आपको पता होगा और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मंजूर। गवाह पुलिस स्टेशन नहीं आएगा, आप उसके पास जाएंगे। मेरी बहन सीमा। नमस्ते सर। नमस्ते सीमा। जो कुछ भी वहां हुआ सर को बताओ। सर मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, घबराना नहीं। कातिल को देखने पर पहचान सकती हो? जी पहचान सकती हूँ। कार्तिक, तुम्हारी बहन को उसे पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन जिन पर शक है उन्हें बुला लीजिए। मॉडर्न जमाना है वीडियो रिकॉर्डिंग का। सर। हाँ कहो परिमल। जिस पर शक है वो सारे मौजूद हैं। पक्का यकीन है? यस सर। जिम को बुलाया था उनमें से तो कोई नहीं निकला। तो उनकी तस्वीर बनाइए। बहुत खूब। पर आर्टिस्ट तुम्हारी बहन को देख लेगा ना? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। बैठो, कैरी ऑन सर। ठीक है, बताओ बेटा। तो शुरू कर। सर जरा बुरखा हटाने के लिए कहिए ना। ए, इसकी तस्वीर नहीं बनानी है, ये जिसकी बताएगी उसकी बनानी है। बताओ बेटा। सर स्केच तैयार है। देखो बेटा क्या वो यही है? हाँ सर यही है वो। पक्का यकीन है? मुझे पूरा यकीन है यही कातिल है। शाबाश। ठीक है सर। हेलो हेलो सर। खुद को क्या समझते हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? हाँ खुद को जिम्मेदार बताते हो, असल में तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है। हुआ क्या सर? तुम्हारी बहन पुलिस को गुमराह कर रही है। जिस आदमी की तस्वीर बनाई उसे मरे 5 साल हो गए हैं। फ्रेंड्स पार्टी पब, मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही है। नहीं भैया मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। बस अब और नहीं, और कितना ड्रामा करोगी? अगर ये बात न्यूज में आ जाती तो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो जाता। झूठ नहीं कह रही हूँ। बस कर तेरी ओवर एक्टिंग। सर सर मेरी बात सुनिए। बस कर, देख तुम्हारा मुंह देख कर चुप था, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन को धोखा नहीं हो सकता सर। फालतू टाइम नहीं है, हमें इसकी जांच करनी चाहिए सर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई सुराग तो। इसी ने सत्या का कत्ल किया है। इरफान! अबे निकाल है! चल 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 चल! हे कार्तिक! रुक जाओ कार्तिक! स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा! अरे तेज भागा! Oh!
हेलो हेलो, हाँ कार्तिक, क्या हाल है? इरफान जिंदा है या मर गया? जिंदा है या मर गया? इरफान ना, मुझे सच जानना है। हाँ, मैं समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे बोलने का मौका। जिंदा है या मर गया? वो जिंदा है अभी। I am coming. लेकिन क्यों? सर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? कार्तिक आया है। वो वहां देख। सर, छुट्टी पर गए सभी अफसरों से कहो ड्यूटी ज्वाइन करें फौरन। जान हलक में आ गई है। क्या हुआ सर, इतने हैरान क्यों हैं? ये एस कार्तिक सर, ये तो वही है ना जो? हाँ भाई कार्तिक, एक झूठी खबर के जरिए हमने उसे डिपार्टमेंट से कई सालों तक बाहर रखा, लेकिन अब उसे हकीकत पता चल गई और अब वो आ रहा है। अपनी पूरी जिंदगी में उससे जाबाज और उससे सनकी ऑफिसर मैंने नहीं देखा। कानून मानता नहीं, अपनी जान हथेली पे लेके चलता है और सीनियर ऑफिसर को बात बात पे ठेंगा दिखाता है। अपने फर्ज के आगे अपने परिवार की भी परवाह नहीं करता वो। अरे जज्बात नाम की चीज ही नहीं है। आज से 4 साल पहले मैं भी ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ था, निकलने का रास्ता ही नहीं था। मुंबई माफिया से ताल्लुक रखने वाली एक गैंग थी, मेरी बेटी को अगवा कर लिया और बदले में एक खूंखार अपराधी को छोड़ने की मांग की। मालिनी मुझ पर यकीन करो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ यहाँ का, मैं देख लूंगा। सर, सर आगे क्या करना है? किडनैपर की कोई खबर? कोई खबर नहीं है सर। मेरे हिसाब से भीखू को आजाद कर देना चाहिए, वरना बच्ची की जिंदगी को खतरा हो सकता है। इनका मशवरा सही है। भीखू को ले जाने की तैयारी करो, मंत्री जी से मैं बात कर लूंगा। सर, किडनैपर का फोन है। बोलो। क्या रे कमिश्नर, क्या फैसला किया? हम भीखू को आजाद कर रहे हैं, कहाँ लेकर आना है बताओ। भाई को अड्डा मालूम है, लेकिन अपनी एक शर्त है, भाई के साथ कोई वर्दी वाला ना आए, आम आदमी आना चाहिए। इस वक्त आम आदमी कहाँ? उसने फोन काट दिया सर। अब हमें क्या करना चाहिए? आम आदमी राजी नहीं होगा। जान का जोखिम है सर, उसके नाम से लोग डरते हैं सर। हाँ मैं ये सब जानता हूँ यार। अरे थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और कुछ करो। सर, ये कोई नोर लाएगा। कौन ये? अबे हट्टा पीछे। क्या घिसा? अत्तर जामिया गली वाला। कौन से जानवर का था? क्या काम करते हो? वो जो गोल गोल होता है ना, उसे छील छील कर मशीन में डालकर शरबत बनाता, गोला बोलते उसको। तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? इसी में रस भरा था सब। ठीक है, इसे पता है ना क्या करना? गहराई से बताया था ना। पैसा खातिर ईमान को बेच दूं। क्या रे, खिसक गया है क्या? इसको देखकर लोग खिसक सकते हैं सर। हां सच कहूं, और सुविधा उपलब्ध नहीं है सर। ठीक है दाम बता। एक नोट वाली पार्टी है, 2 लाख बोलना, एक तेरा एक मेरी बीवी का। दो में पटा लिया सर। इसे 2 लाख चाहिए। वर्दी से धोखा, सौपाने पर धंधा डालूंगा ना। गद्दार, बजट बढ़ गया सर। ठीक है लगाओ फंतरू। क्या रे माइक काय को लगा था? रवि तेजा की डबिंग कराएगा क्या? जा जाके दातुन कर। उसकी जरूरत नहीं है, ये खुफिया माइक है, अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हम फौरन पहुंच जाएंगे। घबराओ मत साहब, मैं मौत का सौदागर सबकी रूह कब्ज करके आपकी बच्ची को लाता। कोई विकल्प नहीं है, पता है। सीख गए। चलो अब ले जाओ इसे। काम फॉलो मी। मुर्गी मोहल्ले से मुर्गी मंगा के रखना। ये ले। मेरा, मैं बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ। मशीन से धोता है या हाथों से? हाथ की हड्डियों का, पैर की उंगलियों का कोई बॉडी पार्ट नहीं छोड़ते।
तुमने तो बोला था ये जूस वाला है। बड़े अस्पताल के पास छोटा ठेला लगाता है सर, फोकट में भी पिलाता है। ठेला किधर लगाता है? पहले खबरस्तान के पास में था, फिर शमशान के पीछे चला गया, अब नया ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। वैसे तू क्या करता तड़ियल? मेरा धंधा? हाँ, लोगों की जिंदगी का सौदा करता हूँ, सौदागर हूँ। कैसो भाई, एक शॉट से पूरे डिपार्टमेंट को हिला दिया और आप आजाद। सब बास मेरे चीते। चल हथकड़ी खोल। पिक्चर नहीं देखता क्या? इस हाथ ले, उस हाथ दे। क्या रे, पुलिस की बोली बोल रहा है कि छोटे? सर सर सर, बैक सर। क्या आया? सर, वो जूस वाला एसीपी है। ये जूस वाला एसीपी है? नहीं छोड़ा तो क्या नोच लेगा? थोबड़े पे रोलर चला के चपटा कर दूंगा। शाड़ा बन रहा है क्या? कौन है रे तू? कार्तिक, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आज ड्यूटी का पहला दिन है, नारियल तेरे पे फोड़ूंगा। फेंक मत। फेंक रहा हूँ, ये मेरे को हल्के में ले रहा है, घोड़ा लेके उड़ रहा है। तेरे भाई को डेमो देना पड़ेगा, चल निकल ले। इसने तो सबको ठोक दिया, ये तो वाकई सनकी है। इसने उन सबको मार के मेरी बेटी की जिंदगी को दांव पे लगा दिया। चलो जल्दी चलो। भाई आगे खोलो, भाई भाई उठो भाई। मुर्दे बोला नहीं करते, ये हम लोग में इसका हिसाब किताब हो रहा होगा। आत्मा की शांति के लिए 11 फकीर खिला। अगर इसकी मैयत पर अफसोस हो रहा है तो इसके बाजू में तेरी भी कब्र खुदवा दूं। सलामती चाहता है तो बच्ची मेरे हवाले कर, तुझे छोड़ दूंगा। ले मिनी कफन दे रहा हूँ, उड़ा दे बच्ची। लिया